हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और मैं आपका नितिन, आज हम पढ़ेंगे नीट के कुछ अलग क्वेश्चंस के बारे में, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज़ पॉसिबल थ्रू, किसके थ्रू क्रॉप का इम्प्रूवमेंट होता है। तो पहला है जुडिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ इवेल्यूएशन एंड सेलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन एंड टेस्टिंग एंड कमर्शलाइजेशन। दूसरा है सेलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन ओनली। तीसरा है साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। चौथा है सेलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो इसमें जो सही आंसर है वो आप लोग लगा लीजिएगा और मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ आपको। सही आंसर है इसका पहला इसका बिल्कुल सही आंसर है, और बाकी सब तीनों जो हैं वो गलत आंसर हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट वैल्यू इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हाईएस्ट वैल्यू कौन सा एक्सपेक्ट करता है। तो पहला है सेकेंडरी प्रोडक्शन, दूसरा है टेरिटरी प्रोडक्शन, तीसरा है ग्रॉस प्रोडक्शन, चौथा है नेट प्रोडक्शन। तो इसमें आप लोग लगा लीजिएगा जो भी आंसर सही है। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर है ग्रॉस प्रोडक्शन। ग्रॉस प्रोडक्शन वो होता है मतलब जो संपूर्ण प्रोडक्शन होता है जिसमें से रेस्पिरेशन को माइनस नहीं किया जाता है, ग्रॉस प्रोडक्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ऑल स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम आर डाइजेस्टेड इन द स्टोमक ऑफ फीमेल एनाफिलीज एक्सपेक्ट। तो फीमेल एनाफिलीज के स्टोमक में कौन सी जो अवस्था है, स्टेजेस है जो डाइजेस्ट नहीं होती है। तो पहला है स्पोरोजॉइट, दूसरा है गैमिटोसाइट, तीसरा है एरिथ्रोसाइट और चौथा है मीसोजॉइट है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है बताइए आप, स्पोरोजॉइट, गैमिटोसाइट्स, इर्थोसाइट्स और मीरोजॉइट। तो इसमें जो सही आंसर है वो गैमिटोसाइट है। गैमिटोसाइट एक ऐसी अवस्था है जो स्टमक में जाती है, अंदर जाती है और वहाँ जाके स्टमक की वाल के अंदर ग्रो करती है, अपना डेवलपमेंट करती है। गैमिट जो है आपस में फ्यूज़ करते हैं, सही है, मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज़ करते हैं क्या, स्टमक की बाल में जा करते हैं, इसलिए ये गैमिटोसाइट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती है। और स्पोरोजॉइट तो आपको पता ही है, वो सलाइवरी ग्लैंड में बनते हैं और सलाइवरी ग्लैंड में बनने के बाद सलाइवा के साथ ह्यूमन के बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो एक अकेली गैमेटोसाइट से है जो स्टमक में जाती है और स्टमक में जाने के बाद स्टमक की बाल के अंदर जाती है और वहाँ जाके दोनों गैमिट, मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज़ करते हैं। चौथा है जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ द ऑफ पी आर नोटेड एज फॉलो। डब्लू दिया हुआ बड़ा स्मॉल, कैपिटल डब्लू राउंड के लिए, स्मॉल डब्लू रिंकल के लिए, कैपिटल येलो वाई येलो के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए, कैपिटल टी टॉल के लिए और स्मॉल टी डॉफ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोटाइप फॉर अ ड्राफ रिंकल्ड एंड येलो सीडेड प्लांट। मतलब ड्राफ होना चाहिए, रिंकल्ड होना चाहिए, येलो होना चाहिए, येलो सीडेड होना चाहिए, ऐसे प्लांट के लिए कौन सा सही है। तो इसमें आप लगा लीजिए, मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है सी, डबल टी, स्मॉल डब्लू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मेथड स्मूथ मसल्स जो हैं वो इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है स्मूथ मसल्स में, एरियोलर टिशूज़ जो हैं उस वो फ्रेमवर्क ऑफ टिशूज़ के फ्रेमवर्क के लिए होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं उसमें लैक्रिमी पाई जाती हैं और एडिपोज टिशू जो है उसमें उसका एग्जाम्पल है एडिपोज टिशू का। तो इसमें सही आंसर क्या है आप लोग लगा लीजिए और मैं इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर है दूसरा, एरियोलर टिशू फ्रेमवर्क ऑफ टिशू। तो जो एरियोलर टिशू होता है वो फ्रेमवर्क टिशू का फ्रेमवर्क बनाता है। जो आपने
जल हाई सिंथ में देखा होगा, वाटर हाई सिंथ में देखा होगा कि इसमें जो जो उसमें टिशू का एक फ्रेमवर्क होता है, पेनकाइमेटिक टिश्यू होते हैं, उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो दूर दूर एकत्र होते हैं, दूर दूर इकट्ठे होते हैं, जिनके दूर एकत्र होने की वजह से, ऐसे होने की वजह से जो बीच में खाली जगह रह जाती है उसमें हवा भरी होती है, उन्हें एरियलर टिशू भी एरियलर टिशू कहते हैं। आप लोगों का आज का मेरे ये क्वेश्चन समझ में आए हों सही से, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो मेरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम जो चैनल है उसमें गजकेसरी बायो क्लासेस के नाम से है, उसमें भी आप उसको ज्वाइन कर लें, और कोई क्वेश्चन हुआ करे तो उसमें पूछ लिया करें, PDF भी उसमें आपको मिल जाएगी इसकी क्वेश्चंस की। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपके आपके पास ऐसी और भी वीडियो जो और जिनके बारे में और भी वीडियो आपके नीट के बारे में आपके पास पहुंचती रहे। तीसरी बात यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, अधिक से अधिक लोगों को तो मेरी वीडियो पहुँच सके और अधिक से अधिक लोगों का नीट वाले बच्चों का इसमें फ़ायदा हो सके, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे कि मैं और ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।